फोर यू देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। सरकार की ओर से लगातार दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं, किसी भी समारोह में 20 से अधिक लोगों को शामिल नहीं होने जाएगा, लेकिन लोग हट नहीं रहे हैं। आज ऑक्सीजन की कमी भी हो चली है, हमारे दो रिजॉर्ट्स पर मामला दर्ज किया गया है। हमारे साथ हैं सिविल लाइन के SHO शिव दर्शन से बात करते हैं। शिव दर्शन जी नमस्कार। जी नमस्कार जी, थोड़ा दसना जिहड़ा ये मामला दर्ज किया गया कि रिजॉर्ट्स से किया गया, आम तौर पर तो देखा जाता भी ये बड़ी प्लानिंग दे नाल बंदियां नूं बुलांदे ते तुसीं किस तरह ये सारा पकड़िया? बिल्कुल जी, ये कल शेल्टन रिजॉर्ट अल्बर्ट रोड और कुमार इंटरनेशनल होटल एंड रिजॉर्ट अल्बर्ट रोड से इन्हों के खिलाफ FIR दर्ज की है, क्योंकि इन्होंने COVID-19 जिहड़े लेटेस्ट सरकार वल्लों हदायतां ने कि 10 तों वध व्यक्ति का विआह शादी में इकट्ठे होना विद परमिशन ऑफ मानजोग ऑनरेबल जिला मजिस्ट्रेट साहब जी, उस 20 तों वध व्यक्ति इकट्ठे होंदे आ तो वो जी उन्होंने खिलाफ़ जी 188-269 एपीडेमिकट से अं FIR दर्ज की है। सानू इतलाह मिली सी कि इन्होंने काफ़ी कट किया, सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं हो रही, जिहड़े अंदर ऑर्गेनाइजर उन्हें गैसट आए हैं वो मास्क नहीं पहने, असी सिविल ड्रेस में कर्मचारी भेज के वीडियोग्राफी पहला की है। जदों जी इनफॉर्मेशन सही पाई गई तो असी इन्हों के मालकों के खिलाफ़ मैनेजर के खिलाफ़ और जे ऑर्गेनाइजर ने प्रबंधक जिन्होंने प्रोग्राम प्रबंध किया उन्होंने खिलाफ़ FIR दर्ज की है। इस संबंधी इन्होंने अगाऊँ असी लिखती नोट भी कराया कि यह प्रोग्राम जी हदायत सरकार वालों की पालना की जाए, पर इन्हें पालना नहीं की, उलंघना की है तो असं FIR दर्ज की, अगे तो इस तरह जारी रहेगी। तुम्हें कोई गिरफ्तारी भी की है जी FIR की है? बिल्कुल, ये जो मैनेजर है उन्होंने फिलहाल गिरफ्तारी कर ली है, मालक जो प्रबंधक है उन्हें गिरफ्तारी बाकी है। अच्छा, जे लड़का पक्ष या लड़की पक्ष तो भी जो ज़्यादा लोग आए थे उन्होंने वार्न कर दिया गया या उन्होंने खिलाफ़ भी कोई मामला दर्ज किया गया? जेडे गैसट आया जी उन्होंने तो वार्निंग दी, पर जिन्हें प्रोग्राम प्रबंध किया प्रोग्राम बुक कराया वा वो जिम्मेवार ने, क्योंकि सबनों पता है इस गल का कि जेडे 10 तो वध इकट्ठे नहीं हो सकते विआह शादी से, पर उन्होंने ज़्यादा इकट्ठे करके उलंघना की है, उन्होंने खिलाफ़ ही कार्रवाई की है। क्या मैनेजर के खिलाफ ही मामला दर्ज करके छड़ता गया या मालक के खिलाफ़ भी दर्ज किया गया परचा? नहीं, मैनेजर के खिलाफ़, मालक के खिलाफ़ तो प्रबंधक जिन्हें प्रोग्राम बुक किया वा उन्होंने तिना के खिलाफ़ किया। नाम उन्होंने दसते हो गए भी कि शेल्टन वाले का क्या नाम है रिजॉर्ट का, तो कुमार रिजॉर्ट वाले का क्या नाम है जितने मामला दर्ज होया? फिलहाल तो मैनेजर तो बाई नेम होया भी, मालक तो ट्रेस करने भी असल मालक कौन इन्हों के, क्योंकि कई बार मालक होर होंगे ठेके से लिया हों, वो तस्दीक करना जो भी मालक है इस टाइम प्रेजेंट है असं वह बाई नेम नामजद करा बाद। क्या सजा भी हो सकती या अवेलेबल ऑफेंस है? ऑफेंस तो अवेलेबल है, पर सज़ा 100% है, क्योंकि सरकार इस मामले बहुत सख्त है तो कानून की जो पालना नहीं करेगा सज़ा 100% है। अमृतसर से दो पहले ही परचे दर्ज हुए हैं? हाँ जी, रिजॉर्ट के खिलाफ़ पहले आ, असी अज भी साड़ियाँ टीम जी चैक कर रहे, होटल रेस्टोरेंट रिजॉर्ट सारे चैक कर रहे, जिथे भी उलंघना पाई गई असी अज भी FIR दर्ज करांगे। तुसीं होर कुछ कहना चाहो? नहीं, बस यो अपील करते हैं पब्लिक नूं भी, जिहड़े लोग प्रोग्राम बुक कराउंदे आ अते होटल रेस्टोरेंट जिहड़े मालक इन्हां नूं भी मैनेजर नूं भी, कि जो सरकार दीआं गाइडलाइन उस तों बाद जिहड़ा इकट्ठ ना किया जाए, नहीं तो कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। गिरफ्तारी कब तक संभव इन्हें? बिल्कुल जल्दी जी, शाम तक इन्हों की गिरफ्तारी पालेंगे, भावें ऑफेंस अवेलेबल है पर गिरफ्तारी पावेंगे। देखिए, ये सिविल लाइन के SHO शिव दर्शन जिनका कहना है कि दो रिजॉर्ट, एक शेल्टन रिजॉर्ट है अल्बर्ट रोड पर और उसके सामने है कुमार रिजॉर्ट, इन दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। इन लोगों की ओर से कोविड के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था, जबकि 10 या 20 मेहमान ही अलाउड हैं, उससे ज़्यादा लोगों को बुलाकर रखा गया था, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था, मास्क लोगों ने नहीं पहन रखे थे। इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की ओर से छापामारी की जा रही है और आज भी टीमें जा रही हैं जहां कहीं शादी समारोह हो रहे हैं, अगर लोग वहां पर भी नियमों का पालन नहीं करते होंगे तो उनके खिलाफ़ भी कार्रवाई की जाएगी। हमारी भी अपने चैनल के माध्यम से लोगों से यही दरखास्त है, जो कोविड के नियम सरकार की ओर से बनाए गए हैं वो आपकी सुरक्षा के लिए है, इसलिए उनका पालन करें। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।